नमस्कार साथियों, रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर से आरसी जयवंती 12 जुलाई 2019 शुक्रवार के दिन आप सबके बीच हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 56 लेकर। हालांकि आज कुछ व्यस्तता रही तो काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्रम जो है वो चलता रहेगा। आज की स्टोरी वहीं से शुरू करूंगी जहाँ की पिछला पार्ट समाप्त हुआ था। काम में अब एक और नया मोड़ आने का समय था। सर की जो है वो कुछ और लोगों से बात हुई थी और वो रिकॉर्डिंग करवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि मेरे मन में जो बात चल रही थी कि रिकॉर्डिंग के लिए जो मेहनत की जा रही है उसमें जरूर सर कुछ ना कुछ अपना फायदा सोच रहे होंगे कि अब एक साल कंप्लीट सर का भी जॉब का होने का था और जॉब जो थी वो ख़त्म होने वाले थे, तो शायद सर ये सोच रहे हैं कि अब मैं आर्थिक फ़ायदा कुछ ना कुछ मुझे रिकॉर्डिंग से मिल जाए। इसमें वो क्या सोच रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो फ़ायदा होगा ही। लेकिन जब पहला पेमेंट मुझे कंप्लीट मिला तो और ज़्यादा ये कहूँ कि पूछने की उत्सुकता बढ़ गई थी। और एक दिन आखिर मैंने सर से ये बात जो थी मन में चल रही प्रश्न उठा ही दिया कि सर आपने मुझे पूरा पेमेंट दिया रिकॉर्डिंग का भी, जो कि 20 रुपये घंटे के हिसाब से हमें मिलता है। आपने मुझे अपने खाने का जो पेमेंट था वो भी पूरा दिया, रीडिंग का भी पूरा दिया, मैंने कैसेट्स से यहाँ शुरुआत की और अब आपके कंप्यूटर में भी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन आपने मुझसे इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं की कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है। तो सर ने मुझे कहा, मैं ऐसा सोच भी रहा था कि आपके मन में ये बात उठी होगी और आपने मुझसे क्यों नहीं कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जरूर ये सवाल आया होगा। मैंने कहा सर ये तो आना निश्चित है, कोई भी व्यक्ति होता तो जरूर ये सोचता कि आप कुछ न कुछ तो अपना भी पारिश्रमिक, इतनी मेहनत मैं देखती हूँ आप करते हैं, इतना आपको एडजस्ट करना पड़ता है तो कुछ बिना लिए ही आप ये सब कर रहे हैं तो इसका भी क्या कारण है मुझे एक बार बताइए तो संतुष्टि हो जाए। कपिल की बात तो जहाँ तक थी तो कपिल ने कुछ ही समय के लिए रिकॉर्डिंग करवाई थी तो उस चीज़ को मैं नहीं सोच सकती, लेकिन आपके बारे में अब आप और उस चीज़ को जब प्रोग्रेस कर रहे हैं तो सर क्यों, कारण क्या है? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई और बुक आपने सीडी बना दी और मुझे दे दी, कोई खास एडिटिंग जो कैसेट्स में पहले होती थी उसमें भी तो कोई एडिटिंग नहीं होती थी, लेकिन मैंने सीडी की रिकॉर्डिंग सुनी तो काफ़ी उसमें अंतर नज़र आया मुझे कैसेट्स की रिकॉर्डिंग की अपेक्षा। कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, अगर मोबाइल रिंग भी जो एक दो बार मैंने सोचा था कि आ गई होगी उसमें, तो आपने उस चीज़ को भी डिलीट किया। क्या रीज़न है सर, क्या सोच रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं सब, मुझे एक बार प्लीज़ बता दीजिए। सर ने मुझे कहा बताएंगे आपको, समय आने दीजिए, फिलहाल तो एक जो नई बात हुई है उसके बारे में सुनिए। तो वो सवाल उस समय तो मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। उस समय सर ने मुझे बताया कि सर के कॉलेज में सर के जो म्यूजिक टीचर थे श्रीमान नासिर मोहम्मद मदनी सर, वो सर के स्कूल में आए थे और वो नेत्रहीन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे क्योंकि वो सर के गुरु थे, तो उन्होंने संदीप सर से ही बात की थी कि क्या करना चाहिए और सर ने ये उस समय अपनी बात रखी थी कि इस तरह से जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है उसमें अगर आप बच्चों की कुछ हेल्प करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। बाकी तो बच्चे कर ही रहे हैं और भी लोग मदद करते ही हैं, लेकिन ये जो है मदद किसी एक स्टूडेंट के लिए अगर हम करते हैं तो उससे हजारों स्टूडेंट जो है वो फायदा उठाएंगे।
रिकॉर्डिंग का सजेशन सर ने अपने गुरु को दिया था, अपने सर को दिया था, और एग्री भी हो गए थे नासिर सर जी करने के लिए। उनके साथ ही रोटरी क्लब के थ्रू सर ने बात की थी, तो उनके साथ सुनील सर थे एक, वो ये सब करवाना चाहते थे, लेकिन नासिर मोहम्मद मदनी सर जो थे वो जानते थे सर को। तो ये कुल मिला के सब आपसी बातें थे उनकी, जो भी बात थी बस सर ने, सर से मुझे ये जानकारी मिली कि वो रिकॉर्डिंग अब करवाएंगे और उसका पे वो करेंगे, लेकिन उस समय सिर्फ एक मंथली मैगजीन थी प्रतियोगिता दर्पण, उससे रिकॉर्ड करने की बात हुई थी। तो अब ये मंथली मैगजीन रिकॉर्ड करने का एक नया प्रोसीजर था मेरे सामने, उसको नए तरीके से रिकॉर्ड करना था, अलग अलग टॉपिक्स जो बड़े हैं उनके अलग अलग पॉइंट्स बनाने थे, काफ़ी मेहनत लगने वाली थी उस किताब को रिकॉर्ड करने में, उसे पूरा समझना था। सर को मैंने कहा था सर मुझे तो रिकॉर्डिंग करनी है, यही मेरा जॉब है और मैं कुछ करना भी नहीं चाहती, तो जो भी बुक मुझे रिकॉर्ड करने को मिलेगी, फिर चाहे वो पे स्टूडेंट देते हैं, आप देते हो, या फिर कहीं और से मुझे मिलता है, मैं तैयार हूँ। प्रतियोगिता दर्पण उस समय सर ने मुझसे ही मंगवाई थी और नहीं, प्रतियोगिता दर्पण शायद वहीं से ही आई थी, रोटरी क्लब से ही, और उसको रिकॉर्ड जब किया तो उसमें कई बार चीज़ें जो हैं मुझे डिलीट करनी पड़ी कि इस तरह इस चीज़ को अलग करना है, इस पॉइंट को अलग करना है, इसको तीन भागों में एक बुक को करना है, अलग अलग मतलब इसके पार्ट्स बनाने हैं। तो जिस तरह भी सर ने कहा मैंने वो किया और उसका पेमेंट उस समय 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से ही सर ने उनसे कहा था। हमेशा ये होता है साथियों कि चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, वो अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन देखने वाला उसे उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से वो देखना चाहेगा। यदि वो अच्छी भावना से देखता है तो अच्छा ही समझेगा, अगर गलत भावना से देखता है तो उस काम को गलत ही समझेगा। ऐसा ही कुछ उन दिनों भी हुआ। थोड़े समय बाद सर ने अपनी पूरी कोशिश की कि रोटरी क्लब से जो है वो और भी पुस्तकें रिकॉर्ड करवाने के लिए बात की जाए और उसका पे भी उसी संस्था के माध्यम से हो, ताकि स्टूडेंट पर जो है वर्डन ना हो। अब सर और ज़्यादा व्यस्त हो गए थे क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण जो थी उसकी एडिटिंग भी सर के लिए और बढ़ गई थी, प्लस उन्हें बार बार संस्था से बात भी करनी पड़ती थी, उनके नियम उनके सिद्धांत बड़े अलग थे। धीरे धीरे फिर सर ने जो है इस विषय पर भी उनसे बात की कि स्टूडेंट्स की जो है वो और भी बुक्स यदि स्टूडेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसका पे भी उस संस्था से ही किया जाए। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिर सर ने उनको तैयार कर लिया था और तब भी सर ने अपना कोई फायदा उसमें से नहीं लिया, ना ही लॉटरी से कुछ अलग लिया, और मुझसे तो सर ले ही नहीं रहे थे। सर का सम्मान मेरी नज़रों में तो मैं सच कहूँ और बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुझे जब तक स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा था कि सर ये क्यों कर रहे हैं, समझ के बाहर था। और एक दिन फिर मुझे सर ने सारी बात बताई कि देखिए मैडम, मैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये ज़रूर मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ
उससे बहुत स्टूडेंट्स का भला होने वाला है। हम अपने टाइम में बहुत सारी परेशानियां झेल चुके हैं रिकॉर्डिंग को लेकर। एक ही किताब अगर 10 बार रीडर को जब रिकॉर्ड करनी पड़ती है टेप में, तो फिर उसके लिए वो ये होता है कि हाँ ये मैंने बार बार किए, लेकिन वो ये नहीं समझ सकते कि हम इस चीज को कई बार कर चुके हैं तो हम किस तरह से पढ़ रहे हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टूडेंट करवा रहा है अपने लिए वो उसे फर्स्ट बार ही करवा रहा है, फर्स्ट बार ही वो पढ़ेगा, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि होता है कि हम जब किसी काम को करने के आदी हो जाते हैं तो उसको फटाफट अपने नजरिए से अपनी तरीके से उसको करते हैं, और फिर ये नहीं सोचते कि सामने वाले को इससे क्या नुकसान हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि अब जब एक किताब एक बार ही हम करते हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से की जाए कि चाहे कोई व्यक्ति उसे फर्स्ट बार पढ़े या कई बार पढ़े, उसके लिए वो अच्छे से रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ लोग उसे समझें, लोगों को उसका फायदा मिले, और आगे से आगे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारी बुक्स पहुँचें। और इसके लिए सर अपने कई साथियों को फोन भी करते थे और बताते भी थे कि ये काम, हालांकि ये बात काफ़ी फैल चुकी थी कि अब रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में स्टार्ट हो चुकी है, सभी स्टूडेंट एक दूसरे को जानते ही थे, लेकिन सर ने भी अपने काफ़ी कोशिश की कि इस काम का जितना हो सके वो प्रसार प्रचार हो, साथियों को फायदा मिले और रिकॉर्डिंग जो है वो लॉटरी के माध्यम से स्टार्ट होने लगी। उसमें कुछ जो मैंने बताया ना, व्यक्ति जिस नजर से जिस कार्य को जिस व्यक्ति को देखना चाहता है वो उसी नजर से देखना चाहता है, और ऐसा ही पहलू मेरे सामने भी आया। कुछ लोगों ने कहा कि आपने रिकॉर्डिंग क्लब से बहुत ही कम शुल्क तय किया है, वही 20 रुपये पर घंटा किया है, तो आपको 25 रुपये पर घंटा कम से कम तय करना चाहिए था ताकि आप भी कुछ पारिश्रमिक जो है वो प्राप्त कर सके। और कुछ नहीं तो कम से कम बिजली का बिल, कंप्यूटर में खराबी आ जाती है तो उसका भी खर्चा, क्योंकि सर के पास बहुत ही पुराना कंप्यूटर था उस समय, वो कैसे उसे चलाते थे मैंने देखा था, काफ़ी परेशानियां आती थी, कई बार घंटों घंटों उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ता था, उस समय समय भी काफ़ी ख़राब होता था सर का, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानते थे। अगर वो किसी दिन खराब हो गया तो दूसरे दिन जाते मुझे तो वो सही मिलता था, फिर चाहे उसके लिए सर को कितनी भी मशक्कत करनी पड़े, सीपीयू ले जाकर उसे ठीक करवाना पड़े या फिर घर पे ही अपनी पूरी कोशिश की गई हो उसे ठीक करने की, लेकिन अगले दिन वो ठीक ही होता था। कभी ये नहीं सोचते थे कि चलो कंप्यूटर खराब है तो 2-3 दिन रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो भी चलेगा, नहीं, कोई भी कोताही रिकॉर्डिंग में सर के द्वारा नहीं की जाती। लेकिन उसमें से कुछ इतने महान व्यक्ति भी थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि अब तो संदीप सर बहुत कमा रहे हैं, बड़ा गुस्सा आया मुझे, मैंने तुम भी कमा लो, आप भी ये सब कर लो और कमाओ, आप भी आर्थिक रूप से फायदा उठाओ, रिकॉर्डिंग की जरूरत तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को है, हमारे पास तो रीडर कम है बल्कि अब बुक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए और आप भी पूरा लाभ उठाइए इस कार्य को करने का। मैं नहीं जानती थी कि क्या सोचकर, मतलब क्या कहूँ मैं इस सोच को,
कोई व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है, आप लोगों के लिए कर रहा है, आप स्टूडेंट हो और आप ही मन में ये धारणा लेकर चल रहे हो कि वो व्यक्ति अब कमा रहा है, क्या आपने कभी देखा और कहाँ जरूरत पड़ी है? अगर अच्छे से अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें, सिलेक्शन हो जाए, ये सब सोचने की जरूरत है ही नहीं कि मैं ये सब बैठ के करूं। मुझे लगा बेकार है वो व्यक्ति जो इतनी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए बैठ के कि स्टूडेंट्स को फायदा हो। मेरे मन में जो एक धारणा थी वो तो निकल चुकी थी सर के जवाब से, लेकिन इन व्यक्तियों का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये मन में सोच रहे होंगे कि अब इस चीज से जरूर सर को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था, लेकिन मैंने देखा था, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे मालूम था, मुझे जानकारी थी हर चीज की। यहाँ तक कि अगर कंप्यूटर भी खराब हो जाता था तो कभी भी सर ने मुझसे उसको ठीक कराने के लिए एक पैसा भी नहीं मांगा, और ना ही कभी जो संस्था हमारे साथ जुड़ी थी उससे लिया कि ये चीज खराब हो गई है। हालांकि बाद में चीजें बदली, लेकिन फिर भी उल्टा ये होता था कि अपनी जेब से ही पैसा सर का लगता था। पर जैसी जिसकी सोच, हम बदल नहीं सकते। इस दुनिया में अच्छी सोच के लोग भी हैं और बुरी सोच के लोग भी होते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कई बार, ऐसी एक दो घटनाएं मेरे साथ भी हो चुकी थी। तो मैं सोचती थी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिन्हें दिखाई देता है वो ही ये सोचते हैं, लेकिन हमारे अपनी फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं। नॉर्मल व्यक्तियों के तो खैर हम सोच ही नहीं सकते, बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अच्छी सोच रखते होंगे। मैं जब टेप में रिकॉर्डिंग करती थी साथियों, उन दिनों की एक बात है जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। स्पीकर से ही एक साथी ने रिकॉर्डिंग करवाई थी पासबुक्स की उस समय मुझसे, तो वो लेने आए थे रिकॉर्डिंग। तो जब वो रिकॉर्डिंग लेने आए तो मैं उन्हें अपने घर पे लेकर आई, और उनकी उदयपुर की बस जो थी उसमें अभी एक डेढ़ घंटे का समय बाकी था। तो मैंने ही उस व्यक्ति से कहा कि आप कहाँ इतनी देर रुकेंगे, और चलिए आप मेरे घर चलिए, चाय नाश्ता वगैरह कर लीजिए, और जैसे आपका टाइम हो जाएगा वैसे आपको टेम्पो में मैं बिठा दूंगी, क्योंकि बस स्टैंड जो है वो आदर्श नगर से अजमेर का काफी दूर है, तो आप चले जाइएगा। और उन्हें अपने घर लेकर आई, और घर आने के बाद मैंने उन्हें खाना वगैरह खिलाया, चाय वगैरह जो भी एक फॉर्मेलिटी होती है कोई व्यक्ति इतनी दूर से हमारे घर आता है तो। और उसके बाद मैंने उन्हें टेम्पो में बिठा दिया, लेकिन उस बात को लोगों ने जो हमारे आस पास के वातावरण में रहने वाले थे महान, बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने बिहेव किया कि वही एक सामाजिक गंदी सी धारणा कहूंगी इसको कि इनके घर तो ऐसे व्यक्ति आते हैं, खाना भी खाते हैं, रुकते भी हैं। एक तरफ से तो मैडम कहती हैं कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है, और दूसरी तरफ से बड़ी खुल के साथ आपको ये बात मैं बता रही हूँ, और दूसरी तरफ से ये उनको खाना भी खिला रही है तो इनको इतना फायदा हो रहा है, न जाने क्या क्या। मैं नहीं मतलब उस चीज को और विस्तार करूंगी, लेकिन और उसके बाद एक बार लेकिन लोगों की सोच बड़ी छोटी सोच होती है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि हालांकि मेरे पास उस समय पर्सनल गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन फैमिली में अगर किसी की गाड़ी होती थी और कोई स्टूडेंट यदि रिकॉर्डिंग लेने के लिए आता भी था तो मेरी ये सोच थी कि अकेले गेट तक कैसे जाएंगे, तो मैंने गाड़ी पे बिठा के गेट आदर्श नगर गेट, यानी अगर वो आते हैं अजमेर में तो आदर्श नगर गेट पर आते हैं, वहां से फिर पैदल चलकर और स्कूल तक आना पड़ता है, या फिर जहां उस व्यक्ति को पहुंचना है वहां तक आना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि चलो अगर ये आ जाते हैं तो छोड़ दिया अगर तुम्हें आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो साथी है ये।
मेरे लिए तो है। तो मैंने, यदि फैमिली में किसी की भी गाड़ी होती थी तो मैंने छोड़ देती थी उनके वहाँ तक, जहाँ से कि उन्हें इजीली हो, कोई भी ऑटो टेम्पो बस उन्हें मिल जाए। लेकिन इस बात का भी लोगों ने काफ़ी इशू बनाया कि गाड़ियों पे बैठा के, और आप इस तरह से, वो स्टूडेंट्स भी होते थे या कुछ जॉब जो भी करते थे। मेरे लिए तो बस ये थे कि वो मेरे साथी हैं और काम अपनी जगह है, मेरा व्यवहार उनसे अपनी जगह है। तो मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि कोई कुछ भी कहे, इन बातों को मैं हमेशा इग्नोर करती रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस मैंने अपने जीवन में लिया था लोगों की, कि कितना वो हमारी दुख में हमारे काम आते हैं, कितना उनके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट है, कितना वो हमें समझते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन मैं जब से रिकॉर्डिंग से जुड़ी थी और स्कूल से जुड़ी थी, तब से लेकर आज तक की सारी बातें मैंने साथियों आपसे शेयर की है। मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट अपने साथियों से मिला, जो कि आज भी मुझे मिल रहा है। और जब सर से जुड़ी मैं, उसके बाद ज़्यादा ही, क्योंकि सर सभी लोगों को जानते थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना काम करते रहना है। अगर ये मुझे गलत दृष्टि से देखते हैं तो देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तब तक जब तक कि मैं खुद सही हूँ। और वैसा ही उन दिनों सर के साथ भी हुआ कि रिकॉर्डिंग को लेकर लोगों ने ये सोचा कि सर कमा रहे हैं, लेकिन असलियत और सच्चाई यही थी और आज भी है। सर को कोई फायदा नहीं था उसमें से। अपना समय, अपनी मेहनत, अपना घर, अपना कंप्यूटर, सब कुछ देने के बाद भी बस एक आंतरिक संतुष्टि थी उन्हें कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छी तरह से हो रहा है और होता रहे, सभी स्टूडेंट्स को फायदा मिलता रहे, तो मैं खुश हूँ। और मैं नहीं समझती कि कोई इंसान ऐसा इस दुनिया में, अगर होंगे भी तो बहुत कम, जो कि बिना किसी स्वार्थ के कोई भी काम लेकर चलते हैं, उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। जब मैं रिकॉर्डिंग करती थी, स्टूडेंट शुल्क देते थे तब भी, और जब हम संस्था से जुड़े उसके बाद भी। संस्था से जुड़ने के बाद काम और इसलिए बढ़ गया था क्योंकि जो भी बुक की जाती थी वो बाकायदा रसीदें बनकर धीरे धीरे तैयार होने लगी। फिर वो बुक्स के नेम भी उसमें लिखे जाने लगे, कितनी बुक्स हुई, कितनी बुक कितने घंटे की हुई, और इसका जो भी पेमेंट बनता था मंथली बुक्स का, वो जहाँ की नासिर मोहम्मद मदनी सर थे कॉलेज में, GCA कॉलेज अजमेर में, वहाँ पर जाके उनसे मुझे कलेक्ट करना होता था। और फिर एक समस्या और नई सामने आई, उम्मीद नहीं थी कि उसका हल हो जाएगा, क्योंकि वो काफी बड़ी समस्या थी और आर्थिक समस्या थी। लेकिन उसको भी उस व्यक्ति ने हल किया और उसमें भी काफी परेशानियां आई, काफी सवाल उठे कि ऐसा क्या जरूरी है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये समझाने का एक टैलेंट भी सर में है। क्योंकि आज अगर मुझे भी कोई काम कहा जाता तो मैं भी ये सोचती हूँ, कई बार सर से कहती हूँ कि सर इसकी जरूरत क्या है, लेकिन क्यों है, इससे क्या फायदा होगा, ये बखूबी सर को जानकारी रहती है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को समझाना, सामने वाले को उस चीज की अहमियत समझाना बहुत मुश्किल होता है। और जब सर उस समस्या को सॉल्व करने वाले थे, मुझे नहीं लग रहा था वो हो जाएंगे। मैंने सर से कहा था, सर मुश्किल है ये जो आप एक प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं उनके सामने, नहीं होंगे एग्री। लेकिन कहते हैं ना,
किनारे पे बैठ के नैया पार नहीं होती, किनारे पे बैठ के नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही उस सर ने कर दिखाया जिसके लिए मैं ना उम्मीद थी और ना जाने के श्योर थी कि नहीं हो सकता, लेकिन हुआ और कर दिखाया। ये मैं कहूँगी उनकी सर की मेहनत का ही नतीजा था, किस तरह से उन्होंने उस चीज़ के लिए सब लोगों को समझाया और एग्री भी हो गए सब उस काम को करने के लिए। तो वो समस्या क्या थी, उसका कार्य कैसे हुआ, किस तरह से सर ने उसे मैनेज किया, ये सब साथियों के नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई बात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ प्रातः, शुभ दिन, शुभ संध्या, धन्यवाद।